हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है स्टूडेंट कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट निकालना है, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। मूल रूप से ये बात है। तो सॉल्यूशन, आइए इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन हालांकि हमने 8 क्लास से ही सीखा हुआ है, तो आइए हम लोग देखते हैं करना क्या होता है। 10 का ऐसा प्राइम फैक्टर खोजना होता है, कैसा भी फैक्टर खोजना होता है, दो फैक्टर खोजने होते हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, यानी -10 आ जाए, और ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो -3 आ जाए। तो 10 का करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 10 का अगर करते हैं, 10 टू फाइव या 10, अब 2 में से अगर 5 माइनस कर ले तो -3 आ जाएगा, और -5 और 2 में मल्टीप्लाई करें तो -10 भी आ जाएगा। तो हम यही लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसको अगर हमने किया तो। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि x कॉमन ले लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से माइनस 5 कॉमन लिया जा सकता है, सॉरी तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, 5 टू या 10, 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए दोनों में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 कॉमन आया, x प्लस 2 कॉमन आया, और हमारे पास क्या बचा, x माइनस 5 बचा, तो x माइनस 5 यहाँ पे लिखा गया, हमने लिख दिया, तो ये हो गया हमारा। ठीक, तो इस तरीके से अब क्या होगा कि इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5, तो द रूट्स ऑफ x इज माइनस 2 एंड 5। ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 में, तो क्या हो जाएगा, ये 6 टू या 12 हो जाएगा, तो माइनस 12 हो जाएगा। अब 12 का करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका फैक्टर कितना है, 1 है, कोफिशियंट 1 है। तो देखते हैं 2 6 जा 12 2 3 जा 6, तो 4 3 जा 12 माइनस, चूंकि हमको क्या लाना है, माइनस लाना है, माइनस 12 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3 कर देंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और तो इसको करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट दोनों में से 2x कॉमन लिया इसका, तो 2x कॉमन ले लिया तो हमने, तो x प्लस 4 बचा हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस 3 अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x, अच्छा 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, दोनों में से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे। x कॉमन ले लिया, 2x था यहाँ पे तो एक ही x बचेगा, यहाँ पे तो एक x था वो बाहर निकल गया, माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने तो x प्लस 2 बच गया यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू माइनस 2 और 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू क्या,
थ्री अपॉन टू, तो द रूट्स रूट्स ऑफ एक्स आर माइनस टू एंड थ्री अपॉन टू। ये हुआ आंसर हमारा सेकंड का। अब थर्ड का आंसर यहां पे देखते हैं। ये रूट टू और फाइव रूट टू, रूट टू से फाइव रूट टू में करेंगे तो टेन हो जाएगा। अब टेन को ऐसे करें, फैक्टर ऐसा दो, ऐसा दो फैक्टर रखें कि मल्टीप्लाई करने पर टेन आ जाए और प्लस या माइनस करने पर सेवन आ जाए। तो टू फाइव जे टेन, तो टू और टू एंड फाइव है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। और देखिए रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। फाइव टू जो टेन हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज इम्प्लाइज दैट कर देते हैं। अब देखिए दोनों में से रूट टू कॉमन लिया जा सकता है, रूट टू भी कॉमन लिया जा सकता है, एक्स भी कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स बच जाएगा, ठीक। और यहाँ पे तो एक्स बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से एक्स तो कॉमन हो गया, तो टू में से अगर रूट टू से भाग दे तो रूट टू यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ से फाइव अगर कॉमन लिया जाएगा तो एक्स बच जाएगा, प्लस टू रूट टू बच जाएगा जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स रूट एक्स प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू दोनों में है तो एक्स प्लस रूट टू कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे रूट टू एक्स प्लस फाइव बचेगा इज इक्वल टू जीरो। इफ एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो और रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू और यहां पे रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन रूट टू। रूट टू तो नीचे होता नहीं है, लेकिन यहां पे आपके छोड़ा सके क्योंकि टेंथ क्लास है ना, हालांकि टेंथ क्लास में हम नीचे पढ़ेंगे कि रूट टू नीचे नहीं होता है, रूट टू से रेशनलाइज कर देंगे तो फाइव रूट टू अपॉन टू हो जाएगा। अच्छा खैर यही हमारा आंसर हो गया, क्या रूट्स ऑफ एक्स आर माइनस रूट टू एंड माइनस फाइव अपॉन रूट टू। ये हुआ, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो सकता है। अब फोर नंबर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एट है, तो इस एट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्यूशन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इज इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एट, तो विद एट होगा, तो एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एट से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज दैट अब 16 का ऐसा दो भाग करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 8 आ जाए, तो 4 4 जा 16, तो 16 एक्स स्क्वायर और क्या 4 4 जा 16, तो यहाँ पे ये भी देखना है कि माइनस 8 लाना है, तो माइनस 4x माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर में करेंगे तो प्लस सिक्सटीन भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं फोर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस फोर बचा। ये देखिए यहाँ से तो एक्स एक्स स्क्वायर यानी कि दो एक्स है, तो एक एक्स तो बाहर आ गया, तो एक ही एक्स बचा है। यहाँ पे 16 4 4 जा 16 4 सॉरी 4x
माइनस वन बचा, 4x माइनस वन बचा, 4 जा 16 एक्स स्क्वायर है ये, यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया सकता है, तो 4x माइनस वन बचा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए दोनों में 4x माइनस वन है तो 4x माइनस वन ले लिया हमने कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया 4x माइनस वन बच गया इज इक्वल टू जीरो। तो ये 4x माइनस वन का स्क्वायर हो गया। तो एक ही बात है, इफ 4x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देन 4x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू वन अपॉन फोर। तो ये रूट्स ऑफ x आर वन अपॉन फोर एंड वन अपॉन फोर, दो रूट होंगे, वन अपॉन फोर इससे, वन अपॉन फोर इससे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको नोटबुक पर नोट कीजिए। ये 5वां क्वेश्चन तो स्टूडेंट हमारा बच ही गया, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। हमें लगा कि सब हो गया, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पे बच ही गया, हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि 5th नंबर क्वेश्चन हमको बताना है। तो देखा जाए यहीं पे हो जाएगा। सॉल्यूशन 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 100 1 या 100, तो 100 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 100 हो जाए, प्लस या माइनस करने पर 20 हो जाए, 10 या 100। तो दिस इम्प्लाइज दैट 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे माइनस 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 100 आना चाहिए। तो इसके लिए ये जो साइन है वो इम्पोर्टेंट है, प्लस और माइनस का। प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए इसमें से अगर 10x कॉमन ले लेते हैं, 10x कॉमन ले लेते हैं तो x बचता है यहाँ पे, और सॉरी 10x बचेगा, क्या बचेगा, 10x बचेगा, 10 या 100 एक्स स्क्वायर माइनस 1, चूँकि पूरा चला गया, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 10x बचेगा माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब क्या एक 10x, ये 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, हेंस रूट्स ऑफ x आर 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन 10। तो ये हुआ हमारा पूरा, अब जाके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, हमारे वीडियोस में आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कर दें, हमारे वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें, जो भी करना हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी करें, क्योंकि हमें पता चलेगा डिसलाइक करने से हम सुधार करते हैं और लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। तो दोनों कर सकते हैं आप, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 10th क्लास का वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं, तो आप 10th क्लास के मैथमेटिक्स यहाँ पे लगातार हमसे पढ़ सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कर दें अगर अच्छा लगे तो, हमारी पढ़ाई अगर आपको अच्छी लग रही है तो फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दें, ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का, और आगे भी कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।